हेलो दोस्तों, एग्जाम ग्रेड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंकुश। इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसमें हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बिल्कुल आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। साइड में ऑप्शन दिए गए तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो क्या है, यदि तीन खिलौनों को चार खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है। लागत मूल्य क्या होता है दोस्तों? लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस, यानी जिस कीमत पर खरीदा जाता है। और बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, यानी जिस कीमत पर बेचा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोला इसने, तीन खिलौनों को चार खिलौनों के लागत मूल्य पर बेच दिया। यानी फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए 100 रुपये में क्या किया, दुकानदार ने चार खिलौने खरीद लिए। ठीक है, और फिर दुकानदार ने क्या किया, तीन खिलौने जो है 100 रुपये पर बेच दिए। यानी क्या किया, जो तीन खिलौने हैं उनको चार खिलौनों की लागत मूल्य पर बेच दिया। अब उसके पास एक खिलौना अभी बाकी है, वो क्या है, वो उसका जो है प्रॉफिट है, लाभ है उसका। ठीक है, तो हमें बताना क्या है कि इस मामले में दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसने बोला है तीन खिलौनों का जो सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, वो चार खिलौनों के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ये बात क्वेश्चन ने खुद बोली है। तो अब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस, ये सीपी इस साइड आएगा तो नीचे आएगा। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, चार, ये तीन इस साइड आएगा तो नीचे आएगा। ठीक है, तो चार बटे तीन, यानी कहने का क्या मतलब है, जो सेलिंग प्राइस है वो तो है चार और जो कॉस्ट प्राइस है वो है तीन, यानी कि तीन में खरीदा चार में बेच दिया, सिंपल। तो इसमें देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ, एक का प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि कोई चीज तीन में खरीदेंगे और चार में बेचेंगे तो एक का प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा प्रॉफिट आ गया या लाभ कह लीजिए। ठीक है, तो इतना लाभ जो है हुआ, लेकिन हमें बताना क्या है, प्रतिशत लाभ यानी कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो अब देखिए जो लाभ परसेंटेज निकाला जाता है उसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, जो हमें लाभ हुआ है बटे किसके ऊपर हुआ है, यानी क्रय मूल्य के ऊपर, किस कीमत पर हमने जैसे तीन में खरीदा चार में बेचा, तो अगर हम तीन में नहीं खरीदते तो हमें लाभ नहीं होता, तो किस कीमत पर हुआ है, तीन पर। ठीक है, तो जो क्रय मूल्य होता है उसके ऊपर ही हमें लाभ मिलता है, तो क्रय मूल्य के ऊपर लाभ मिला उसकी हम गुणा कर देंगे 100 के साथ। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। तो बस सिंपल है, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, एक का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर हुआ, तीन के ऊपर आ। क्यों, क्योंकि तीन हमारा क्रय मूल्य होता है, गुणा 100। अब इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत, यानी 33 सही 1/3 प्रतिशत जो है प्रॉफिट हुआ, यानी डी हमारा जो है सही उत्तर होगा। वीडियो तो पसंद आया, जैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।